सीरियस न्यूज सच का साथी। एक तरफ सरकार ने एक नियम बनाया है कि शराब जो है वो 12 बजे के बाद बेची जाएगी, लेकिन लखनऊ के स्कूटर इंडिया चौराहे का नज़ारा देखें तो ऐसा लगता है कि शराब के माफिया आज भी सरकार के आदेशों पर हावी होते नजर आ रहे हैं। स्कूटर इंडिया चौराहे पर सुबह 10 बजे से ही देसी शराब की दुकान पर खुलेआम शराब बेची जा रही थी, जिसके चंद कदम की दूरी पर ही एक पुलिस चौकी है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि पुलिस वाले भी देखकर अनजान बन रहे हैं और अपनी नाक के नीचे ही ये सारा काम करा रहे हैं। पुलिस चौकी और ठेके की दूरी ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर होगी तो 50 मीटर से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद भी शराब का ठेकेदार अपने सेल्समैनों के द्वारा लगातार सुबह 10 बजे से शराब बेचता हुआ दिखाई दिया। ऐसा लगता है कि इस जगह से लगभग 24 घंटे तक शराब की सप्लाई की जाती होगी, लेकिन इस पर कार्यवाही आखिर क्यों नहीं होती, ये एक बड़ा सवाल है। एबीपीएस न्यूज़ सच का साथी।